एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माय सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का सेकंड चैप्टर जो कि था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया कि एटम होता है जो, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या इफेक्ट करता है उस पर, वो सब कुछ हमने स्टडी किया। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा कि जो एटम होता है उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसकी शेप कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आज करने वाले हैं हम, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है आपकी, किसकी? एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है, हमें पढ़ा था ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल है ठीक है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं एक ऑर्बिटल में, पॉसिबल है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो उसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है, कैसे वो वेरी करता है, देखो एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के केस में पिक्चर में देखो, ठीक है 1s है, सबसे स्मॉल है ठीक है, 2s है, सेम एनर्जी है, 3s है, उसके सभी ऑर्बिटल्स की 3s 3p 3d सबकी सेम एनर्जी है। 4 के केस में भी ऐसे ही है, 4s 4p 4d सबके केस में सेम है। क्यों क्यों ना, जो हाइड्रोजन है उसमें ना एक ही, उसका एक ही एटॉमिक नंबर है ठीक है, तो वो क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर है। तो जब उसको एनर्जी दी जाएगी, वो पहले क्या है, नॉर्मल लाइफ में जी रहा है तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे नॉर्मल लाइफ में। उसको एनर्जी दी, वो हाई अप हुआ, चार्ज अप हुआ, तो वो क्या गया, एक्साइटेड हो गया ठीक है, तो वो ऊपर चला गया, ऊपर वाले लेवल पे एक्साइटेड स्टेट आ गई ठीक है, क्योंकि उसको एनर्जी मिली। फिर भी ना उसमें क्या था, सेम एनर्जी लेवल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है ठीक है। पिक्चर में देख लो अच्छे से है कि सेम एनर्जी होता है, ग्राउंड स्टेट होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये तो 1 ही एटॉमिक नंबर है, कब आती है, मल्टी इलेक्ट्रॉन होते हैं जहां पे, वहां पे प्रॉब्लम आती है। माना एक रूम में एक ही पर्सन है, आपको उसे ही टीच करवाना है या कोई काम दे रहा है तो आप उसे ही बोलोगे, वो जबरदस्ती जैसे करो 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 तो वो कर देगा ठीक है। बट अगर उसी रूम में 10 15 20 लोग आ जाए तो क्या होगा, तो एक बोलेगा ये करेगा, एक बोलेगा दूसरा करेगा, बस कंफ्यूजन ही रहेगी ठीक है। तो क्या होगी उनमें, एक पॉइंट से दूसरा हमेशा मिक्सअप नहीं होगा, तो उनमें क्या होगी, सेम एनर्जी भी नहीं होगी, तो उसमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। एक बोलेगा एक करेगा, दूसरा बोलेगा दूसरा करेगा, तो रिपल्शन होगी। तो जो रिपल्शन होगी ना मल्टी इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में, तो उसमें क्या होगी, 1s की वैल्यू सेम होगी, जैसे कि 1s में एक ही होता है ऑर्बिटल, 2s में 2s इक्वल 2p नहीं होगा कंपेयर, इसमें सेम था पर मल्टी इलेक्ट्रॉन में क्या है, 2s 2p के इक्वल है। बट जब 3s 3p 3d के केस में आ गया तो ये इक्वल नहीं होगा ठीक है। इसमें क्या होगी, एनर्जी वेरी करेगी, जैसे जैसे अलग अलग आप सब शेल में n की वैल्यू में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना n l m n ठीक है, तो जैसे आप आगे बढ़ते हो तो उसकी एनर्जी भी वेरी करती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो जो सबकी एनर्जी क्या होगी, वेरी करेगी एक दूसरे के साथ ठीक है। हाइड्रोजन के केस में क्या था, सेम एनर्जी थी क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, उसी को ही काम देना था। बट इनके केस में क्या हो गया, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिपल्शन भी होगी और क्या होगी, वो रिड्यूस भी करेगा ठीक है। अब इसके क्या कॉज हो सकते हैं, देखो जैसे कि ना जब, क्योंकि उसका चार्ज में वेरी होता है, शेल में वेरीज होती है ठीक है, और फिर शेप भी वेरी करती है, इसी वजह से भी उनमें फर्क आ जाता है ठीक है। तो देखो पिक्चर में देखो, मल्टी इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में क्या होता है, अलग एनर्जी होगी अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ठीक है, समझ गए। फिर जो आता है कि जो ये है ना, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन है ठीक, मतलब आपका क्या एटम है, अंदर क्या है, न्यूक्लियस ठीक है। तो जो एस ऑर्बिटल है नजदीक है, तो ये इसको जैसे कि कोई किसी के क्लोज होता है तो वो उसको ज्यादा क्लोजली उसके साथ अटैच होता है, अपनी बातें भी शेयर करता है और क्या करता है, इजिली अटैच हो जाता है। बट जो एस आ गया ये, पर पी के केस में क्या है, ये दूर हो गया ठीक है, तो जो जो नजदीक आ गया तो स्क्रीनिंग सीलिंग इफेक्ट क्या होगा, इसमें स्क्रीन किया क्लोज हो गया,
पर जो पी का केस में था, जो नजदीक लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, दूसरा उसके पास ना आ पाए थोड़ा जेलस फील करते हैं या उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल है नजदीक है ये क्लोज रहता है उसका, पी ऑर्बिटल दूर रहता है, तो उसमें क्या आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट किससे डिनोट करते हैं, जेड इफेक्ट। ठीक है, ये क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये कब कॉज होता है, जैसे जैसे आपके शेल बढ़ते रहेंगे ना तो उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नजदीक वाला है ना ये अपने आप को क्लोज समझेगा, न्यूक्लियस के जल्दी अटैच होगा, बट जो दूसरे केस हैं उनमें क्या होगा, वो दूर हो गए तो शेल दूर होंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे पी है, फिर डी है, फिर एफ है, ठीक है, जी एफ, ठीक है, इनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू एस के, ये वेरी इसलिए भी करता है क्योंकि शेप अलग होती है, एस की क्या होती है स्फेरिकल होती है, पी की डिफरेंट होती है, डी की डिफरेंट होती है, इसकी वजह से भी ये क्या होता है वेरी करते हैं। देखो फिर आता है कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो आपके स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड एनर्जी लेवल से रिलेटेड है। क्या क्या पॉइंट आते हैं, देखो ये माना एन की वैल्यू सेम है, ठीक है, दो के केस में जैसे कि 2p एंड 2s, पर एनर्जी इनकी वेरी करेगी कैसे, जैसे कि n की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, माना यहाँ पे 2 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, बट l की वैल्यू यहाँ पे 0 है, ठीक 1 है, l की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या आ गया 3, और क्या आ गया 2 प्लस 0 आ गया आपका 2, तो किसकी हायर एनर्जी है t। इनमें क्या है n की वैल्यू सेम थी बट एल की वैल्यू वेरी करी जिसकी वजह से इनकी एनर्जी में फर्क आया। ठीक है, देखो ना सेम सेल है, ठीक है, जैसे कि 4s 4p 4d, बट क्या होगा, जो जिसकी लोअर एनर्जी होगी और जिसकी वो पहले भरे जाएगा, जैसे कि 4s पहले फिल होगा 3d से, क्यों, क्योंकि 4s की वैल्यू लो है किसके n की वैल्यू डिपेंडेंट, ठीक है, और 3d की क्या है वैल्यू ज्यादा है, तो लोएस्ट वैल्यू को पहले फिल किया जाएगा, समझ गए। तो देखो क्या कैसे इसे फिल होगा, जैसे कि 1s हो गया, 2s हो गया, फिर 2p हो गया, फिर 3s 3p, फिर क्या भर जाएगा 4s, फिर क्या भरा जाएगा 3d, फिर क्या आ जाएगा 4p 4d 5s एंड फिर आ जाएगा आपका 4f। इस तरीके से क्यों इस तरीके से फील होगा, क्योंकि जिसकी लोअर एनर्जी है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि n क्या है 1 होगा 2 होगा 3 होगा, उसके हिसाब से आपकी जो सबसेल होंगे वो होंगे, सबसेल में क्या होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, ऑर्बिटल्स इंक्रीज करेंगे, ऑर्बिटल इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ऑब्वियसली है, जिसकी लो एनर्जी होगी वो लो तरीके से रहेगा, जिसकी हाई एनर्जी होगी वो हाई तरीके से रहेगा। तो ये तो था आपका क्या एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ गए कि इलेक्ट्रॉन जो नजदीक होंगे वो जल्दी मतलब उनमें क्लोजनेस होगी तो वो शील्डिंग नहीं होगी, जो दूर दूर होंगे उनमें शील्डिंग ज्यादा होगी, तो एफ में सबसे ज्यादा शील्डिंग होगी कंपेयर टू डी पी एस। ठीक है, समझ आ गए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी ना किसमें ऑर्बिटल में, ठीक है, तो उसको नाम किया दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ए एटम। जैसे कि माना आपका एक ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो दूसरा अगर एक और इलेक्ट्रॉन फील करना है तो आपको अपोजिट स्पिन का होगा, तो ऐसे फील होगी, पहले एक होगा फिर दूसरा फील होगा, एक होगी हमने पढ़ी थी ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पिन होती है, तो इस हिसाब से ये भरा जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसे होगी, उसमें कौन से रूल काम आते हैं वो हम अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम। देखो पिक्चर में देखो, इसमें शो किया गया है थ्री क्या है ऑर्बिटल है, कौन सा पी का, उसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है, ऐसे बताया गया है। ठीक है, फिर आता है आपका कि कैसे फिल होंगे, उसके प्रिंसिपल क्या फॉलो होंगे, तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है अफबाउ प्रिंसिपल। ये क्या बनता है, इस पहले तो समझो मीनिंग क्या है, अफबाउ का मतलब है बिल्डिंग अप, ठीक है, इसका मतलब जो बिल्डिंग बनाती है तो क्या करते हो, पहले फर्स्ट फ्लोर बनाते हो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे बनते हो,
तो इसमें बोला गया है कि लोएस्ट एनर्जी पहले फिल होगी, फिर गो ऑन हाईएस्ट एनर्जी, पढ़ा था ना हमने, जैसे कि इनकी लोएस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी किस बेस पे करेगी, जैसे कि एन था आपका वन था, ठीक है, तो एल जीरो आ गया, फिर जब एन आ गया आपका टू तो एल आ गया वन, उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या था, माइनस वन जीरो टू ऑर्बिटल्स फिल हुए, तो उसी के हिसाब से रिपल्शन होगी, उनकी शेप डिफरेंट है, तो वो क्या होंगे, जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी वो क्या होंगे, पहले फिल होंगे, और जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी वो बाद में फिल होंगे। कैसे, देखो कौन सा रूल इसमें काम करेगा, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग बनाने का काम, तो कौन सा रूल आएगा इसमें, देखो कौन वोह बड़ी रूल, अब इसके मुताबिक क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। कैसे, मान आपका 3s है, ठीक है, 4p, ठीक है, तो 3s आपका n क्या है इसमें, 1, ठीक है, n 3 आ गया, l क्या आ गया, 1, n आ गया इसमें 3 और l आ गया 1, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, तो जिसकी लोएस्ट वैल्यू होगी 4 की वो फील होगा, ठीक है। बट अगर ऐसा ही देखो 3d, ठीक है, और 4s का एग्जांपल ले लो, n इसमें क्या है 3, एन इसको है इसमें 3, ठीक है, तो एल क्या आ जाएगा इसमें, इसमें 4 है, ठीक है, एल आ गया इसमें आ गया 0, ठीक है, तो ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 4, तो लोएस्ट एनर्जी किसकी है, 4, मतलब 4s की, तो 4s पहले फील होगा, ये देखा 3d है तो 3d फील कर दिया पहले, पहले क्या होगा 4s फील होगा, ठीक है, पिक्चर में देखो अफवा प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है। अब सेकेंड केस, अगर दोनों का एल सेम है, एनर्जी सेम है, तो कौन सी वैल्यू फिल होगी, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि 2p 3s, ठीक है, इसमें n आ गया आपका 2, इसमें n आ गया आपका 3, l आ गया आपका कितना 1, l आ गया 0, ठीक है, कितना हो गया 3 3, अब दोनों सेम है, कौन सी फिल करोगे पहले, कंफ्यूज मत होना, तो सोचना जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, मतलब 2p की क्या है लोएस्ट, n प्लस 1 की वैल्यू बेशक सेम है बट जो लोएस्ट वैल्यू आती है आपकी 2p की है, तो 2p ही आपको पहले फील होगा, तो ये रूल बोलता है। पिक्चर में देखो, अगर आपको समझ नहीं आना ना, रूल्स याद नहीं है, तो ऐसे आप पिक्चर बना लीजिए और इसको जैसे कि एरो नीचे को दिया है उसी हिसाब से इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो आ गया आपका अफवा प्रिंसिपल, बिल्डिंग अप, इलेक्ट्रॉन की कैसे फील होंगे, उसकी बिल्डिंग कैसी बनेगी, लोएस्ट एनर्जी पहले आएगी फिर हाईएस्ट एनर्जी होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, अभी क्या हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो क्या बोलता है, शॉर्ट में अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे आपके ऑर्बिटल्स में, उसकी बात की गई है, कौन सा रूल फॉलो होगा, इसमें फुल फिल होगा आपका n स्क्वायर, n 2n स्क्वायर का, ठीक है, तो जैसे n की वैल्यू 1 होगी तो ऐसे फिल होंगे, ऑर्बिटल्स की काउंटिंग होगी, ऑर्बिटल्स से क्या होंगे, डबल आपके क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, ठीक है, समझ आ गया, डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिए, n अगर 1 होगा तो क्या होगा, n इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, कितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और स्पिन के मुताबिक क्या फिल होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपके ऑर्बिटल शो करता है, और जो आपके कौन सा सेल है आपका, जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो आपका शो करता है कितने नंबर ऑफ है आपके सब शेल या सब लेवल होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हंस रूल, ठीक है, ये क्या बोलता है, इसमें बोलना है कि जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ना तो वो क्या होगा, पहले लोएस्ट एनर्जी फिल होगी, पहले क्या होगा, जैसे कि आपको खाना बांटना है किसी को, आपके पास क्वांटिटी आपको पता नहीं कि सबको पूरा होगा या नहीं पूरा होगा, तब आप क्या बोलोगे, पहले मैं एक एक बांट देती हूँ, फिर उसमें जो बचेगा वो मैं सबको दे दूंगी, वैसे ही इसके केस में है, एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे में फिल हो जाएगा,
फिर क्या होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन फिल होने लगेंगे आपके ऑर्बिटल्स में, ठीक है। से हाइड्रोजन है, हीलियम है, एक पहले फिल होगा, फिर हीलियम के केस में नेक्स्ट होगा, ठीक है। अब ये तो चलो दो ही इसमें वन एस था, बट अगर जब हायर उसमें जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें आ जाएगा 6, इसका 7, इसका आ जाएगा 8, वो कैसे फील होंगे, 1s2, 2s2 और क्या आ जाएगा, 2s2, 2s2, 2p, क्या आ जाएगा, 6 है ना, 2 आ गया, ठीक है। फिर 1s2, 2s2, ठीक है, फिर आएगा 2p, 3, ठीक है, 1s2, 2s2, 2p, 4। अब ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके मैं आपको इजीली बताती हूँ, जैसे एक ऑर्बिटल है 1s, ठीक है, 2s, 1s, 2s एंड 2p, ठीक है, समझ आ गए। इसमें क्या है, 1, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर क्या बचे, 2 बचे। अब ऐसा नहीं करना कि इसी में 2 भर देने, पहले एक में भरा जाएगा फिर दूसरे में, ठीक है। फिर जब तीनों फिल हो जाएंगे फिर आपके आगे जाके रिपीट होगा। देखो इसके केस में अभी मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, 1s के केस में फिल हो गया, 2s के केस में फिल हो गया, फिर क्या, इसमें 1 1 पहले आ जाएगा, ठीक है, बन गया ना 2p3। नेक्स्ट केस में क्या है, आपका 2p फिल हो गया, ठीक है, फिर आप ऐसा नहीं कोई भी भर दिया, पहले ये भरा जाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर आपका फिल होगा, 8 है ना, तो देखो 4 आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आता है वो आप किसी भी सेल में भर दो, इसके भी रूल्स हैं कि जो सेल भरा जाएगा वो सिर्फ किस में भरा जाएगा, पहले फर्स्ट वाले में, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, ठीक है। ये थे आपके 3 रूल्स, ठीक है, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड। कौन सा था फर्स्ट, अपवर्ड प्रिंसिपल, जिसमें बोला गया है लोएस्ट एनर्जी पहले फील होती है, और उसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, वो हर्बरी रूल, ठीक है। फिर सेकेंड आता है आपका कौन सा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें बोला है इलेक्ट्रॉन फील होते हैं आपके कैसे, ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिटल्स का कौन सा रूल फॉलो करता है, एन स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर, ठीक है, आपने पिक्चर में भी अच्छे से देख लिया। फिर हर्ट्ज रूल, मल्टीप्लिटी रूल बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फील होंगे, पहले 1 1 सबको लड्डू बटेगा, फिर सब में, फिर से अगर बच जाएगा तब फिर बटेगा, ऐसा नहीं कि किसी को कम ही रह जाए, प्रॉपर सबको मिले, ठीक है। ये था, तो ये तो था आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इसके साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको कुछ डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।